स्टाफ इन तो टाइम ले देंगे, स्कॉलरशिप भी टाइम ले देंगे। नहीं, ये सिर्फ ओनली इलीगल अपॉइंटमेंट का बात नहीं है, सिर्फ हमारे जो क्लास 10 और 12 का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट इस बार खराब हुआ उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। तो हम जानना चाहेंगे क्या एग्जैक्टली बातें हुई है सर। कल रात को सोशल मीडिया में हमने लॉन्गडिंग की जो इलीगल अपॉइंटमेंट के बारे में सोशल मीडिया में आया जी। तो आज हमने हमारे कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड तमाम जो ऑफिस ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है या डायरेक्टर ऑफिस में सबको बोला कि आज हमने चर्चा किया कि ये एपिसोड कैसे आ गया, तो उनके डिटेल्स डिस्कशन किया। और इसके साथ साथ में हमारे जो क्लास हमने इवन आशा था कि प्रेसिडेंट को भी बुलाया और हमारा अरुणाचल टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एंड इसका एग्जीक्यूटिव मेंबर को भी बुलाया, क्योंकि हम सब एक परिवार है, परिवार में कुछ भी गलतियां होते हैं तो उसको हम इमिडिएटली एक्शन लेना है। उसके मद्देनज़र रखते हुए आज इन सभी के साथ चर्चा किया। और नहीं, ये सिर्फ ओनली इलीगल अपॉइंटमेंट का बात नहीं है, सिर्फ हमारे जो क्लास 10 और 12 का बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट इस बार ख़राब हुआ उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। और ख़ास तौर पर जो हमारे इलीगल अपॉइंटमेंट का जो लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट से आया उसके लिए हमने एक 3 मेंबर्स कमिटी सेटअप कर दिया है, जो हमारी इरा सिंगल है जो स्पेशल सेक्रेटरी IAS है, प्लस जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन है, देन अंडर सेक्रेटरी एजुकेशन है। हमने इसमें कोई भी डायरेक्टर स्टाफ को नहीं लिया क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई इन्वॉल्व हो, इसलिए हमने गवर्नमेंट लेवल से हमारा IAS और FSS ऑफिसर को हमने इसमें लगाया और उनको हमने निर्देश दिया कि हमको 7 डेज के अंदर में ये रिपोर्ट सबमिट करना है। और दैट मीन्स 29th में, सो बाई मंडे तक ये हमें रिपोर्ट सबमिट करेगा। अगर उसमें प्रीमियम पैसे जो भी इस्टेब्लिश होगा तो अगर उसमें सही पाया जाएगा तो हम उसको करीब से करीब एक्शन लेंगे, जो भी इन्वॉल्व होता है या जो बेनिफिशरी है सबको एज पर रूल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से हम जरूर एक्शन लेंगे। सर, अभी आपने कहा कि काफ़ी लंबा डिस्कशन चला है, अभी कमेटी भी सेटअप किया गया है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली आप लोगों को पता चला है कि जो 28 का नाम लिया जा रहा है वो कौन से सेशन में उन्हें अपॉइंट किया गया था, ऐसे कुछ पता चला है? ऐसे एग्जैक्टली जो हम लोग जो थोड़ा बहुत जानकारी डिपार्टमेंट ने जो दिया है ये 2020 की बता रहा है, तो 2020 बोल के अभी हम उसके पेपर को DDSC लॉन्गडिंग वालों को बुलाया है जी। उनकी रिपोर्ट लेके आने के बोले, पेपर जितना भी पेपर है लेके आने के लिए बोला है, और वो सब कमेटी उसको छानबीन करेगा कौन सा ईयर का है। उसकी छानबीन के बाद ही हम एग्जैक्टली आपको बता पाएंगे जी। अभी जैसे रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। आज आपने जो डिस्कशन मीटिंग का द्वारा जो सो कॉल्ड नोटिस आया वही होगा ना, इसमें ना टर्मिनेशन भी होगा जितना भी इलीगल अपॉइंटमेंट टीचर का हुआ है? इलीगल अपॉइंटमेंट के बारे में पहले तो जो कानून की तरफ से कार्रवाई करना है, सो कॉल्ड नोटिस देना है, सो कॉल्ड नोटिस देके उसके बाद जो प्रोसीजर के हिसाब से उसको हम लोग जरूर टर्मिनेट करेंगे। सर, और इलीगल प्रॉब्लम सर, और जो अब जो जो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि रिगार्डिंग जो स्टाइपेंड एंड स्कॉलरशिप, इसका क्या अपडेट है सर? स्टाइपेंड एंड स्कॉलरशिप क्या कमेंट दे रहे हैं सर? वो स्टूडेंट कब आएगा ये अपडेट देने के लिए पूछ रहे हैं, तो रिगार्डिंग दिस आप क्या कहेंगे सर? स्टाइपेंड तो टाइम ले देंगे, स्कॉलरशिप भी टाइम ले देंगे जी। थैंक यू।